जस्ट मैंने अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करी और आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज किया करो डेली। और कोई जो लड़का 24 से नीचे या फिर 18 से नीचे है उनको तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही एक एज होती है जिसमें हाइट जल्दी से ग्रो होती है और बॉडी मतलब बहुत ट्रांसफॉर्म होती है। तो एक्सरसाइज करो डेली, करो थोड़ी, करो भरे या फिर रनिंग करो, पर करना बहुत जरूरी है सुबह शाम। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम जाएंगे मम्मी के साथ। बॉडी वॉडी तो हमने बनाई ली थी जैसे कि आप लोगों ने देखा था। अभी फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करेंगे और मार्केट जाना है, मम्मी के साथ कुछ काम है, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर जाएंगे। रूम तो एज ऑलवेज गंदा ही लगता है। हमारा है, कौन सी सब्जी हमारे, लौकी, लौकी तोरी है, लौकी तोरी और मम्मी खा रही है ये। मैं एक ही रोटी खाऊंगा ना। ले गाइस हम जा रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी फटाफट काम करके आते हैं अपनी पल्सर में। एटीएम से पैसे निकाल के चावल का कट्टा ले लेते हैं। और मैं कुछ और लेना, चावल के कट्टे के साथ क्या छोले, आटा थोड़ी ना ले आएंगे यार अभी एकदम इतना सारा। जय हनुमान जी की। लीज के पैकेट भी दे देना दो हरे वाले। अरे ऐसी हो आंटी, बोले कैमरा क्यों रख लगा। तो ये कट्टा हमने यहाँ रख लिया, मम्मी पीछे बैठी है, आंटी बोल रही कैमरा क्यों लगा रखा है। और ये अब देखना रुस्तम को, देखना कितना हल्ला मचाता है रुस्तम। देखो हैं, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो देखो, सोच रहा उसके लिए कुछ खाने के लिए, अंदर ही भाग जा। ले आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। वो देखो ओह भाग गया, मम्मी के साथ भाग गया। वो देखो ए मेरा रुस्तम, आओ आओ आ जा। हाँ पैसे रख ले, बाय बाय ले। रुस्तम बहुत प्यार करता है गाइस मुझे। बुकी दे दे एक बार, कैमरे में बुकी दे दे। ओए रुस्तम ओए जाओ ऊपर जा, जा जा ऊपर जा, जा मेरे बेटे ऊपर जा। मेरे कमरे में मत आइयो बस, बाय। मो मेरा ये प्रियंका खा लेगी मेरा लेस। रुस्तम आ जा आ जा, तेरे को लेस नहीं दूंगा, तेरे को लेस नहीं दूंगा मैं तेरे को इसको बिस्कुट देंगे गाइस। ये लेस में नहीं, लेस नमकीन होता है। कितना बिस्कुट खाएगा ये, सुबह भी खाया इसने। आ जा 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 जा, बस में जा रहा भाई, यहीं रह मेरे साथ, मत आ मेरे साथ, मत आ। चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल। प्रियंका देख ले, मैं तो लेस खा रहा, तेरे को नहीं दूंगा सच में लेस ना गाइस, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। एकदम टाइम पे आ गया, पूरा गिर गया यहाँ। तो फटफट खा लेता ना, मम्मी ने खाया नहीं दिया जल्दी से, उसको देखना मेरे से छीन लिया इसने। तो गाइस मौसम देखो, बारिश हो रही है बहुत खतरनाक वाली, और वहाँ देखो पूरा पानी कैसे भर गया, पूरा आर्मी का जो सप्लाई वाला एरिया है वो पूरा पानी में डूब गया। और सुबह तो वो लिटरली पूरा नहर ओवरफ्लो कर रही थी, ये रोड पूरा भर के चल रही थी। अब अभी थोड़ा ठीक है, अभी हो रही है हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। ये गाड़ी कितनी मस्त लग रही देखो। कैसे पापा आ गए ना वहाँ से, कैसे अल्लाह मच। अरे गाड़ी तो मैंने हटाई नहीं, पड़ेगी मुझे गाड़ी, मैंने हटाई नहीं ना वहाँ से। वो भाग गया भाग गया भाग गया, देखो बहुत चालू चीज है यार। और सामने देख रहे हो गाइस, मैं इससे नहीं बाद में दिखाऊंगा। अरे भौंक रहा यार, नीचे देख रहा नीचे, वो देखो नीचे क्या देख रहा, वो भाग गया उसने, देख ले पापा बहुत तेज यार। आवाज लगा रहे हैं बंद कर कर कर, वो देखो कैसे देख रहा मैं, आवाज निकाल रहा है। इसको क्या हो गया, इसको देखो मछली उछली दोबारा। ये तो पागल है क्या।
तो गाइस आज फाइनली मैं चप्पल लेने आ गया, ये टूटी वाली चप्पल अब बहुत हो गया। एक तो नीली वाली है ये पसंद आ रही, और एक ये वाली है रेड कलर नहीं अंकल, रेड अंकल रेड देखो ना, रेड मेरे को ज़्यादा पसंद है, रेड या ब्लैक, ये वाली अच्छी लग रही है। ब्लैक नहीं है, दो ही कलर हैं ये तो बहुत हैवी सी लग रही है यार। छोटा तो मिल जाएगा, वजन है ना उसमें ज़्यादा। हाँ तो पहनने में ये थोड़ी सही लग रही है यार, ये हल्की सही है ये, देखो ये कलर सही तो है। वैसे अंकल की शॉप है, अंकल हेलो बोल दो। हेलो तो लेते हैं, देख व्लॉग बना रहा हूँ, देखते हैं कौन सी पसंद आती है। चलो फाइनल करते हैं गाइस। फाइनली मैंने नीली वाली और ये ग्रे वाली ले ली, और रेड वाली अब मैं अपने बाथरूम में यूज़ करूँगा, तो मम्मी को दिखाता हूँ कैसे रिएक्ट करती है मम्मी। पापा तो घर गुस्से करेंगे, मम्मी खुश होगी। उसको इग्नोर करना प्लीज़, रनिंग के शूज़ हैं वो, तो मस्त मज़े आ रहे हैं यार पहनने के बाद। बढ़िया, हाँ देख कैसी लग रही, अच्छी लग रही, सही दे दी उसने, दो जोड़ी दी 150 रुपये की, दो जोड़ी ली ग्रे में भी ली। ओए ना ना ये सही है, ये वो पर्स कैसा लग रहा है? वैसे वो तो वैसी है, वो सा डिज़ाइन है, लाइट कम है ना इसी वैसे ऐसा दिख रहा है, वही तो यार। ठीक है गाइस, मेरी चट्टी है और मेरी दीदी आ रखे हैं, ये मेरी दीदी है देखो, ये मेरी चट्टी है, अरे ये मेरी चट्टी है, मेरी मम्मी की सबसे बड़ी बहन, ये देखो और मम्मी अंदर खाना बना रही है, ये आज जिस ने पूरा किचन चमका दिया, ये देखो क्या खा रहे हैं चुपके चुपके, बाहर मेहमान आ रहे हैं, ये देखो गाइस, ऐसा किस किस के घर में होता है बताओ, मेहमान आते हैं अंदर आम खा रहे हैं ये, तो ये देखो कुछ दाल बन रही है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो अब पापा अंदर बैठे हैं, एंग्री मैन अंदर बैठे हैं, एंग्री मैन, और मेरी चट्टी है मौसी, तो मम्मी से छोटी बहन होती है, हम तो बोल दिया आपने रिश्तेदार में थोड़ी है, तो मौसी मतलब जो मोटी मौसी चट्टी, हमारे घर वाले में तो चट्टी बोलते हैं मोटी मौसी बोलते हैं, इसे देखो मोटी मौसी हैं, देखो गाइस मैंने गलती से सही बोल दिया, छोटी मौसी बड़ी मौसी बोलते हैं मेरी चट्टी को, कभी जाऊंगा बार प्रियंका कुछ काम करते हुए देखी हमको, आम काट रही है ये, मेरा जाके ऐसी बहुत रोजगार हो गई है ना, घर का काम करना भी भाई बेरोजगारी नहीं होती, रोजगार होता है, ये कुछ नहीं करती गाइस, आम ही काटते रहते है बस दीदी, देखो पापा तो आम नहीं खाते हैं, पापा तो अभी कुछ और खा रहे हैं, इसमें अभी आ रखा हूँ, ये मेरी जट्टी है, मेरी दीदी और वहाँ जा रखे हैं, वहाँ पे हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं, खाना देने जा रखे हैं वो, और मेरी जट्टी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया, और 4 दिन से मेरी जट्टी नहाई नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी जट्टी बहुत अच्छी है, मैं मजाक करता हूँ जट्टी के साथ, हॉस्पिटल में बेंच देखो कैसी लग रही है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड बहुत ही हैक्टिक डे आज का, सो बाय गाइस, लव यू, पीस आउट, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बाय।